राधे 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 फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो अभी टाइम बस हो गया है, सृष्टि का टिफिन वगैरह मैंने पैक कर दिया, सृष्टि स्कूल जा रही हैं, तो बस चलिए अब मैंने पानी वगैरह पी लिया। और सृष्टि के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं और सृष्टि दो चोटी करके जाती हैं। चलिए मैं योगा करूँगी यहाँ बैठ के। अब मुझे ना वो योगा वाली वो मंगानी है, एक्सरसाइज, वो क्या बोलते हैं इस चीज़ को, सीट मैट, वो मंगानी है। और योगा करने के बाद फिर मैं कपड़े अपने काम में लगूँगी, कपड़े वगैरह लगाऊँगी। आज कपड़े बहुत सारे धोने हैं क्योंकि कल बृहस्पति था तो कल मैंने धोए नहीं, अब आज मुझे सारे कपड़े धोने हैं, इनके भी हैं और हमारे सिस्टी पीयू के भी हैं। तो चलिए अब मैं देर नहीं करूँगी, योगा कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं सूक्ष्म व्यायाम करूँगी, इसके बाद फिर प्राणायाम करूँगी। और सूक्ष्म व्यायाम से क्या होता है कि बॉडी हमारी रिलैक्स हो जाती है, फिर इसके बाद आपका प्राणायाम करने में थोड़ा मन लगता है। मतलब डायरेक्ट प्राणायाम नहीं करना चाहिए, पहले हमें अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लेना चाहिए। कपड़ों का कैसा भंडारा सा लगा है। तो चलिए मैं पहले कॉटन कॉटन के कपड़े डालूंगी, उसके बाद वूलन लगाऊंगी। पहले कॉटन के लगा देती हूँ मशीन, और तो चलिए लगा देती हूँ। और योगा वगैरह मेरा हो गया है, चलिए पहले मैं लगा देती हूँ। और ये आटा भी इसमें ना पहले का रखा था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा कम हो जाए, दो चार दिन और मतलब चला लेती हूँ, उसके बाद खाली करूँगी। तो मैंने कहा चलो आज भारी देती हूँ, नहीं बोरी में रखा रखा ये कहीं नीचे से ख़राब ना हो जाए आटा। तो और ये वाला आटा मैंने, जो पुराना आटा है वो बाज़ार का है, तो मैंने इसको मतलब पॉलीथीन में कर दिया, मांगने वगैरह वाले आ जाते हैं तो मतलब उनको दे दूँगी। तो चलिए मैं आटा की बोरी खाली करके और इन डिब्बों में भर देती हूँ। दोनों डिब्बों में आ जाएगा, मतलब इसमें बड़े वाले में ही आ जाएगा, उसमें थोड़ा बहुत होगा, देखती हूँ जो बचेगा तो उसमें डाल दूँगी। और मैं सामान गिरने की बात बता रही थी कि मेरे हाथ से सामान गिर जाता है, ये चीज़ मैंने ऐसे अपने जब मैं दिखाने गई थी डॉक्टर को भी बताया मैंने, और तो वो कहते हैं आपका बहम है ये, और लेकिन मैं मुझे महसूस होता है कि मेरे हाथ से सामान गिरते हैं चीज़ें, क्योंकि मेरे हाथ से कभी कुछ नहीं गिरता था। मैं इतना ढेरों ढेरों सामान उठा के चल मतलब यहाँ से वहाँ रख लेती थी, लेकिन इतना सा सामान नहीं गिरता था। लेकिन अब चीज़ें ऐसे हाथ से सरकती हैं कि जैसे मानो पकड़ ही नहीं है हाथ में। इसीलिए मैंने योगा स्टार्ट कर दिया है, सूक्ष्म व्यायाम करती हूँ जिससे मेरे हाथ को काफ़ी रिलीफ मिला है। अब मैं प्राणायाम वगैरह भी करती हूँ। तो योगा एक ऐसा मतलब समाधान है जिससे आपकी मन की तन की सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ये पीहू की ड्राइंग। और सर्दी में अब बस सुबह और शाम की सर्दी रह गई है, और बिछाने के लिए तो मैंने अब कॉटन की बेडशीट चादर वगैरह निकाल दी हैं, क्योंकि अब ओढ़ने की थोड़ी थोड़ी ही ज़रूरत पड़ती है, बिछाने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ की भी मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। जल्दी पियो दूध, जल्दी पियो, फटाफट खत्म करो दूध। कुछ नहीं है, पी जा जल्दी से, आज बहुत मीठा नहीं रहा ना, जल्दी फ्रेश करो, जल्दी फ्रेश करो, जल्दी पियो, तू यहाँ रखो, पहले खत्म करो।
तो झाड़ू लग गई है दोस्तों, और आज एक बहुत बड़ा लोचा भी हो गया है। कपड़े मैंने जो डाले थे उसके बाद मैं वूलन वाले कपड़े डाल ही नहीं पाई, क्योंकि जो मैंने पहले कपड़े कॉटन के डाले उसके बाद बस सूखने को रह गए थे। और तो यहाँ झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैंने ये सोचा चलो ये मिरर साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि पीहू ना इतना गंदा मिरर करती है, क्रीम वगैरह लगाएगी सबसे ज़्यादा इसी में ही हाथ लगाती है। तो मैं क्लीनर रखा था घर में, बस उसी से ही मैं साफ़ कर रही हूँ, उससे ज़्यादा अच्छे से साफ़ भी हो जाता है और काफ़ी अच्छी शाइनिंग हो जाती है। तो बस मैं पोंछा लगा के फिर आप सभी से मिलती हूँ। तो गाइज मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ और लाइट चली गई है और मुझे लंच बनाना है, तो मैं इंतज़ार कर रही और मेरी वॉशिंग मशीन भी आधी रुकी पड़ी है और काफ़ी दो तीन घंटे हो गए हैं लाइट को गए हुए। वो कहो कि सुबह गीजर ऑन किया था, ये नहा के गए तो पानी गर्म था तो फिर मैंने नहा लिया। अब मैं चलो क्या करूँगी, कद्दूकस वगैरह करके सब्जी बनाने की देखती हूँ, क्योंकि लाइट का कुछ भरोसा नहीं है। कपड़े तो ये है कि चलो शाम को हो जाएंगे, तो चलिए मैं बनाती हूँ। मैंने ये सुबह मशरूम ली थी, बस मशरूम की बनाने जा रही हूँ। तो पहले मैं इनको काट के उबलने रखूँगी और मसाला तैयार करती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने काट लिए मशरूम, और ये इतने ज़्यादा लग रहे हैं, अभी इतने रह जाएंगे, इसके उबालने पे हाफ रह जाता है। मैंने ये मसाला प्याज तैयार कर लिया, चलिए मैं कढ़ाई चढ़ाती हूँ। कढ़ाई चढ़ा दी, ऑयल भी डाल दिया, तेज पत्ता डाल दिया। अब ये प्याज मैंने किसके रखा है और अभी तक लाइट नहीं आई है। तो ये देखिए भून गया है। चलिए अब मैं ये मसाला डाल देती हूँ, इसमें मैंने नमक डाल दिया। नमक डाल दो साथ में तो मसाला अच्छा भून जाता है, जल्दी भून जाता है। देखिए मसाला भून गया है, अब मैं ये मशरूम डाल दूंगी। गैस सिम करके थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दूंगी, तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। देखिए सब्जी भी काफ़ी अच्छी भुन गई है, तो बस अब मैं इसमें थोड़ा पानी डालती हूँ, जितनी तरी करनी है बस उसी हिसाब से। और आटा भी मैंने निकाल लिया है, बस आटा लगा लेती हूँ। देखिए सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है और रोटी भी मैंने सेक दी है। तो चलिए ये सारा कुछ मैं अब समेट लेती हूँ और ये बर्तन भी लगा देती हूँ और ये सारा कुछ समेट के फिर आप सभी से मिलती हूँ। और सृष्टि को मैं ले आई, तो चलिए खाना खाते हैं, आ जाइए आप लोग भी। और पीहू खाना खा चुकी हैं, तो मैंने अपना और सृष्टि का खाना लगाया है। तो इस ब्लॉग का एंड मैं यही करूंगी, और आज दिन है फ्राइडे, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर गाइज़।